अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर प्रदेश का विपक्ष सड़क पर आ गया है। तमाम जगह धरने प्रदर्शन के अलावा गिरफ्तारी का क्रम चल निकला है। यूपी के मेरठ में भी सपा के पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री शाहिद मंजूर, हस्तनापुर के पूर्व विधायक योगेश वर्मा व अतुल प्रधान समेत तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत से पूर्व कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी के बाहर जमकर हंगामा किया था, साथ ही पुतले को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने किसी तरह अखबार से प्रतीक स्वरूप बनाए गए पुतले को नष्ट कर दिया। आग से किसी को नुकसान की आशंका जताते हुए पुलिस अफसरों की सपा नेताओं से तीखी बहस भी हुई। देखिए, जाने के चक्कर में पुलिस वालों को पेट्रोल फूका फेंका है। वीडियो है, अभी वीडियो पत्रकार लोगों के पास है। वीडियो नहीं, अब पत्रकार लोगों ने वीडियो ली है तो दिमाग ज्यादा खराब ना हो। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपको लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, आप अपनी बात रखें, आप लेकिन बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल नहीं, गलत बात, पेट्रोल किसी ने भी बैगा पुतला जला रहा हुआ है, मैं दिखा दूंगा आपको। फूक रहा है भाई तो पेट्रोल लेके आएगा, पुलिस लेके आएगी पेट्रोल। वो मुझे, आप मुझे मत बताइए मैं क्या, आप ये बताइए कि आप लोगों ने सही किया क्या? क्या सही किया? क्या पेट्रोल फेंकना सही था पुलिस वालों को? नहीं, हमने कोई पुलिस वालों पेट्रोल नहीं फेंका। चलिए, अच्छा बात है। मीडिया वाले लोग यहाँ पे हर चीज, मीडिया वाले लोग आपको भी रोज ही देखते हैं। हाँ तो देखते हैं ना, आज ही देखा हुआ है, देखा हुआ। चलिए, आप बात खत्म करिए, आप इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर पहलू पर बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। नमस्कार।